गुजरात का जामनगर जो अब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। इसकी वजह रही एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग। अनंत की प्री वेडिंग में पॉप स्टार रिहाना से लेकर बिल गेट्स तक शामिल हुए और अंबानी परिवार का ये समारोह अंतरराष्ट्रीय आयोजन बन गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। मुकेश अंबानी जाना माना नाम है और उनके बेटे अनंत की प्री वेडिंग में फिल्मी सितारों से लेकर राजनेताओं, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स तक सभी जामनगर पहुंचे। गुजरात का जामनगर पिछले 10 दिनों से इंटरनेशनल शहर बना हुआ था। दुनिया भर की जानी मानी हस्तियां जामनगर में मौजूद थी। मौका था दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक और भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी का, जहां 3 दिनों तक शाही फंक्शन चला। ग्रेट ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी में बॉलीवुड के तमाम सितारों ने 4 चांद लगाए तो इंटरनेशनल सिंगर रेहाना ने भी देसी अंदाज दिखाया। भले ही प्री वेडिंग सेरेमनी खत्म हो चुकी हो और हर कोई अपने घर लौट गया हो, लेकिन ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें लग रहा था कि मानो पूरे शहर में कार्निवल का आयोजन हुआ हो, जो इस प्री वेडिंग को नंबर 1 बना रही थी। और इसमें कई पहलू भी नजर आ रहे थे। पहला, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में जिस तरह की चकाचौंध रही, वो भारत की संस्कृति और राजनीतिक अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलावों को भी दिखा रही थी, क्योंकि अनंत की प्री वेडिंग में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, क्योंकि किसी बड़े प्री वेडिंग में ऐसा कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि आमतौर पर अमीर लोग के आयोजन बटे होते हैं। कुछ में ग्लैमर दिखता है, कुछ में इंडस्ट्री दिखती है, कुछ में पावर दिखता है, लेकिन यहाँ पर सभी एक जगह पर दिख रहे थे। दूसरा अहम पहलू था इस आयोजन को जिस तरह से सार्वजनिक रूप से दिखाया गया, फिल्मों के बड़े प्रोड्यूसर यहाँ खुद फिल्म बन गए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाले लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट बन गए। खबरों के मालिक खुद खबर बनते हुए नजर आए। दरअसल एक पुरानी कहावत है, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, और ये अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग में देखने को भी मिला, क्योंकि इस प्री वेडिंग ने दुनिया को दिखाया कि कैसे भारत वो देश नहीं रहा जो गरीब कहलाता था, क्योंकि भारत में भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो दुनिया के अमीर लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करने का दम रखते हैं, जो भी एक बड़ा पहलू था जो इसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बना रहा था और बता रहा था कि कैसे एक प्री वेडिंग समारोह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन जाता है। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब अंबानी परिवार का शाही अंदाज देखने को मिल रहा हो और उनके घर की शादी समारोह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन रही हो, क्योंकि इससे पहले भी अंबानी परिवार अपनी रॉयल शादियों के लिए दुनिया में मशहूर रह चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी की शादी 12 दिसंबर 2018 को पिरामल इंडस्ट्री के आनंद पिरामल के साथ हुई थी। इसमें कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश अंबानी ने अपने बेटी के इस खूबसूरत पल को यादगार बनाने के लिए 700 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए थे। इसी तरह मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे आकाश अंबानी 9 मार्च 2019 को श्लोका मेहता के साथ शादी के बंधन में बन गए थे, जिसमें 800 लोग मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस शादी में भी 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए गए और दुनिया के कई मशहूर लोग शादी में पहुंचे, और इन शादियों ने अंबानी के समारोह को अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बना दिया था, जो एक तरीके से भारत की ताकत को दर्शा रहा था, क्योंकि अंबानी भारत में सबसे मजबूत बिजनेसमैन हैं। और तो और, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी भारतीय बिजनेसमैनों ने अपना जलवा दिखाया है, क्योंकि दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका की हर बड़ी कंपनी के मालिक भारतीय प्रवासी ही हैं। चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ की बात करें या फिर गूगल के सीईओ की, यहाँ एक भारतीय मूल का व्यक्ति ही है। इतना ही नहीं, भारतीय मूल के ऐसे कई लोग हैं जो विदेशों में भी शासन करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, जिसके लिए वे पूरी दुनिया में मशहूर है। और अंबानी जैसे लोगों ने दुनिया को दिखाया है कि भारतीय किसी से कम नहीं, जो कुछ भी करने का दम रखता है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।